इसमें वाला 18.1 कक्षा 10। पहला सवाल, सवाल ये बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने पर चार से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासे को फेंकने पर चार से बड़ा अंक, तो पासे को फेंकने पर कुल परिणाम, देखो एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं, 6, और अनुकूल परिणाम चार से बड़े कौन से होते हैं, 5 और 6, तो कितने हो गए 2। प्रायिकता क्या होगी, ये बराबर 2/6, 5/3 आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक सिक्के को 2 बार उछला जाता है, दोनों बार चिताने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो देखो सिक्के को दो बार उछालने पर कुल परिणाम 2 की घात 2 कितने हुए, 4, कुल परिणाम 4 हुए। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि दोनों बार चिताने की प्रायिकता, तो दोनों बार चिताने का अनुकूल परिणाम कितने होंगे, देखो टोटल परिणाम क्या होंगे, एक बार ऐसे हेड आ गए, टेल आ गया, टेल आ गया, एक हेड आ गया, एक बार दोनों बार टेल आ गए और दोनों बार हेड आ गए। तो ये क्या बोल रहा है, दोनों बार चित मतलब दोनों बार हेड आने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम क्या होगा, 1, तो प्रायिकता क्या होगी इसकी, 1/4, ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन, किसने कह रहा है कि 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या हो। तो 17 तक की संख्याओं के कुल परिणाम कितने होंगे, 17 ही होंगे, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितने होंगे, देखो बता दो कितने होंगे ना, अभाज्य संख्या कौन कौन सी, 17 तक, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए, तो अनुकूल परिणाम 7। ये तो अभाज्य संख्या 17 तक की, एक को न तो अभाज्य संख्या होती है न अभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखो प्रायिकता क्या होगी इसकी, बराबर 7/17, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। मैं ऊपर से बता रहा हूं इसको, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सिक्के के लगातार 3 सालों में एकांतरित चित या पटाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सिक्के को तीन बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होंगे, 2 की घात 3 मतलब 8, अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 2। देखो किसके अनुकूल परिणाम पूछ रहा है ये, एकांतर चित या पट मतलब एक बार चिताए बीच में और 2 बार पटाए बगल में, या फिर बीच में पटाए और बगल में चिताए, तो 2 होंगे, ठीक है। तो प्रायिकता क्या होगी, पी ए बराबर 2/8 बराबर 1/4, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। हाँ पांचवा क्वेश्चन करते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अलीफ वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी, अलीफ वर्ष में कुल दिन
कितने हो गए 365 दिन, ठीक है, और सप्ताह कितने होते हैं 52 सप्ताह और एक दिन, ठीक है, भाग देंगे इसमें 7 का, ठीक है। और ये ऐसे बोल रहा है कि 52 रविवार आने की प्रायिकता, मतलब अगर ये एक दिन रविवार हुआ तो क्या हो गए 53 हो गए, तो बचे हुए दिन कितने हैं 6, तो अनुकूल कुल परिणाम कितने होंगे, ध्यान दो एक सप्ताह में दिनों की संख्या होती है 7, मतलब ये एक दिन 7 दिनों में से कोई सा भी हो सकता है, तो कुल परिणाम 7 है। अनुकूल परिणाम कितना होगा, देखो अनुकूल परिणाम क्या होगा, रविवार नहीं होना चाहिए बाकी कोई भी दिन हो तो अनुकूल परिणाम 6 होंगे, तो प्रायिकता क्या होगी इसकी 6/7, ठीक है। ये हो गया 5वां क्वेश्चन, उतारो इसको, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन ना, छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या दे रहा है कि यदि पीए बराबर दे रखा है यहाँ पर 0.65, तो पी ए नहीं मतलब बार क्या होगा, 1 - PA बराबर 1 - 0.65 बराबर 0.35, ये हो गया छठा क्वेश्चन, ठीक है। मैं इस 5वें मिटा दूं, सातवां क्वेश्चन ये कह रहा है 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पटाने की प्रायिकता, देखो 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम कितना होगा, 2 की घात 2 मतलब 4, ठीक है, और अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम किसके होंगे देखते हैं। सवाल कह रहा है कि अधिक से अधिक एक पटाने की, देखो चित्र देखिए आएंगे, हेड हेड आ सकते हैं, टेल टेल आ सकते हैं, हेड आ सकते हैं, टेल आ सकते हैं, टेल और हेड आ सकते हैं, तो अधिक से अधिक एक पटाने की है ना, तो मतलब एक पट यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे 2 है और यहाँ कुछ नहीं, मतलब पर अनुकूल परिणाम कितने हो गए 2, तो प्रायिकता क्या होगी 2/4 मतलब 1/2, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वें में 2 है, मैं इन दोनों को मिटाने के बाद में कर पाऊंगा, मिटा दो इसको, 7वें को मिटा दो, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो इसी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग, देखो पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होंगे, पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम, देखो एक बार उछालने का कुल परिणाम कितने होते हैं 6, और 2 बार उछालने पर 6 की घात 2 कितने हो गए 36, ठीक है। अब देखो इसमें पहला अनुकूल परिणाम, देखो क्या बोल रहा है कि संख्याओं का योग 9 होना चाहिए, देखो संख्याओं 9 किस किस में होगा, या तो 4 और 5 होना चाहिए, 5, 4 या 5 होना चाहिए, ठीक है, 6 और 3 होना चाहिए, या 3 या 6 होना चाहिए, और कोई संख्या नहीं है जिन 2 संख्याओं का योग 9 होता हो, तो कितनी है 1, 2, 3, 4, 4 परिणाम, प्रायिकता क्या होगी 4/36, 4 का भागदार है 4×4 = 9, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, अनुकूल परिणाम दूसरे के लिए लिखते हैं, देखते हैं क्या है अनुकूल परिणाम, संख्याओं का योग 13, संख्याओं का योग 13 कभी नहीं होता, अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या लें तो 6 होती है, तो 6 + 6 = 12 ही होते हैं, तो अनुकूल परिणाम 0, तो प्रायिकता क्या होगी 0/13 मतलब 0,
ये आठवां क्वेश्चन हो गया। नवा क्वेश्चन, एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है, तो थैले में कुल गेंद मतलब कुल परिणाम यही है, तो 5 + 3 = 8 पहला अनुकूल परिणाम। कितना हो गया सफेद हो, सफेद कितनी है इसमें, 5 लाल है और 3 सफेद है, तो अनुकूल परिणाम 3 है। करेक्टर क्या होगी, तीन बटा आठ। अब दूसरा है प्रायिक, इसकी प्रायिकता नहीं है, सफेद गेंद नहीं है, मतलब इसकी विपरीत क्या होगी, पी ए बराबर क्या होगा, 1 - PA बराबर ए माइनस 3/8, लघुत्तम लेंगे और अंतर में तो 5/8 जाते हैं, ठीक है। ये हो गया नवे के दो क्वेश्चन, मैं आठवीं बिठा हूँ। दसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 52 पत नहीं किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों मिल गए, केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा, यदि एक पेन यादृच्छा चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो कुल परिणाम कितने होंगे, बारह प्लस 132 टोटल 144 अनुकूल परिणाम। देखो अच्छे पेन आने की प्रायिकता कितनी है इसमें, अच्छे पेन कितने 132, तो प्रायिकता क्या होगी 132/144, 12 भाग देते हैं तो 11/12 आता है, ठीक है। हाँ अंतिम सवाल क्या हुआ, बड़ा जरूर है, 52 पत्तों की पत्तों अच्छी तरह से फेंटी गई, एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है, तो कुल परिणाम कितने हैं 52, ठीक है। अब इसमें पहला सवाल अनुकूल परिणाम, पहले का अनुकूल परिणाम, लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का गुलाम कितने होते हैं 52 पत्तों में, दो होते हैं, दो प्रायिकता 2/52 मतलब 1/26। दूसरे का अनुकूल परिणाम क्या होगा अभी देखते हैं। देखो दूसरा क्या बोल रहा है ये कि लाल रंग का पत्ता, लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं 26, 13 1 के और 13 5 के, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 26/52 तो 1/2। तीसरे में अनुकूल परिणाम, देखो तीसरा बोल रहा है पान का इक्का, पान का इक्का एक ही होता है पूरी गड्ढे में, ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 1/52, ठीक है। ऊपर से बिठा रहा हूँ दसवें सवाल को, चौथा इसका अनुकूल परिणाम क्या है, देखो ईंट की बेगम भी एक ही होती है, तो प्रायिकता क्या होगी 1/52 और 5/52 इसका अनुकूल परिणाम। कितने हो रहे हैं देखो, 5 है ना, कुंभ का पत्ता, कुंभ के पत्ते कितने होते हैं 52 पत्तों में 13 होते हैं, तो प्रायिकता क्या होगी 13/52 1/4, ये अपनी चुनाव खत्म होती है, ठीक है।